हेलो गाइस एंड हैप्पी होली टू ऑल माय सब्सक्राइबर और व्यूअर्स। आज हैप्पी होली है और ये ब्लॉग शायद होली वाले दिन अपलोड भी हो जाए क्योंकि ग्लोबली तो 8 तारीख को है, बट हमारे यहाँ पे तो आज मना रहे छोटी होली और कल मनाएंगे बड़ी होली, परसों हो जाएगा होला 8 तारीख को। तो हमारे सिर्फ 6 और 7 को मनाएंगे, 8 तारीख को नहीं मनाएंगे इधर। तो आज मना रहे हैं होली। वैसे तो मैंने आज जाना था मंडी, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और मंडी और कुल्लू में इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लो होली मनाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और होली में सबसे ज़्यादा कांड भी होते हैं। पापा ने मेरे को मना कर दिया कि होली के टाइम मत आना, तो होली के बाद जाऊँगी मैं मंडी को। फिर अभी गाँव में थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होगी, होली की थी, हमने तो इवन भूल ही गए थे हम होली के बारे में, और मैं भी जस्ट तैयार होके मतलब आई हूँ ऐसा समझ लो, सवेरे सवेरे। और अभी बज रहे 9 और भाऊ चला गया बट मंडी आज, उसको कुछ काम था, मैंने कहा तू चले जा, फिर उसके बाद मैं बाद में जाऊँगी। और फिर उसके बाद आज होली है, होली मेरी शादी के बाद पहली होली है, और रोहित कुल्लू में है, मैं घर में हूँ, और हमारी होली कुछ ऐसी हो रही है। अच्छा लग रहा है मेरे को ये। लास्ट ईयर मैं होली में कुल्लू में थी और मैंने कुल्लू की होली देखी थी, और इतना मज़ा आता था ना, मज़ा आया था, आता था नहीं, आता है अभी भी आएगा। इस बार कुल्लू की होली ना रोहित देखेगा, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट, बहुत मज़ेदार। अभी टिया स्कूल गई थी सवेरे के टाइम, अभी बज रहे 1 और टिया अभी वापस आ गई और होली खेल के आ गई। मैं को सुबह होली लगी थी और ये तो पूरा होली में भर के ही आ गई भाई। वो क्या साफ किया मैंने अभी थोड़ा नहीं तो दिखती भी दिख हनुमान की तरह होली थी। पहले मैंने तब भी कब जा नाले पर स्पेशल ऑर्डर लगाया था कि भाई नहाने के लिए पानी लगा। यार अभी हमको ना लस्सी मिल गया आज फाइनली, और लस्सी में मैंने डाल दिया है नमक और मिर्च, क्योंकि मैं जब से गांव आई थी ना तो तब से मेरे को लस्सी एक ने भी नहीं दी, और मम्मी को मैंने फ़ोन करके बोला यार बोलो किसी को लस्सी दे दो, क्योंकि इतना मन कर रहा था तो खुद के घर में भी लस्सी कम से कम भी मिलती। और आज तो पूरा का पूरा बाल्टू मिल गया, बड़ी बहुत ज़्यादा। आज तो कड़ी भी बनेगी, पीली दाल में कड़ी डाल के बनेगी। इम्पोर्टेंट हूँ, हाथ ही तो सब करते हैं, खाना पीना धोना धुलाना चौके छक्के। और यूट्यूब पे देख रही थी यूट्यूब जर्नी, तो मेरे मन में एक थॉट है भाई मैं कब बताऊंगी अपनी यूट्यूब जर्नी। 2-3 महीने लग जाएंगे मे बी, ज़्यादा तो नहीं, पक्का जब मेरे 500 के हो जाएंगे तो मैं पक्का बता दूँगी। ऐसे कुछ है नहीं, कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं। और अभी फ़िलहाल तो मेरी मैगी शैगी बन रही है, क्योंकि घर में अकेली हूँ तो मैगी ही बनेगी, और क्या करूँ घर में कोई भी नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी गुड न्यूज़, पापा आज घर को आ रहे हैं। आज जाके इतनी शांति फील होने वाली ना, क्योंकि घर में इतनी हलचल होती है, जब मम्मी ने जिन्हें ना सुना सुना सा लग जाता है घर की, यार कोई है ही नहीं घर में चिल्लाने वाला, क्योंकि मम्मी 24 घंटे शोर करती रहती है, ये आ जाओ रोटी खाने, मतलब कुछ 3 टाइम होकर ना और खाना खाने के लिए आवाज़ पड़ती है दिन में, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि कई लोगों के घर में ऐसा होता नहीं कि खाना बना लिया और जिसने खाना है अपने हिसाब से खाते रहो, नहीं हमारे घर में ऐसा होगा ही नहीं। मम्मी बुलाएगी, सबको बिठाएगी, अच्छे से सब साथ में मिल के खाना खाएंगे। ऐसे ऐसा नहीं है कि भाई चलो तुम आ रहे हो जा रहे हो खा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ओ शिट पूरी इसने आत्महत्या कर ले। सुसाइड कर ली मेरे चम्मच ने, मेरा लच है। मैं इसको ना नीचे नहीं रखने तो मेरी गैस खराब हो जाएगी, सो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। सो मेरी मैगी आ गई है यहाँ पे, टेस्टी टेस्टी मैगी।
अब इसको आप ट्राई करेंगे, ट्राई तो क्या ही करना है, मतलब खानी है। मैंने टेस्ट इतनी ज़्यादा, मेरे को वो टपक रहा है मुँह में पानी मैगी के नाम पे। सबसे पहले टीवी ऑन करते हैं, टीवी देखते हैं साथ में, एंड देन एंजॉय माय मैगी। आई लव इंडियन कल्चर वेरी मच। हाउ कम दैट यू लुकिंग ट्रेडिशनल, लुकिंग प्रोफेशनल, पति की सेवा दिल से करती है। एक ये खा लो, एक ये पी लो, एक ये पहनो, सारा जी जी करके पति की सब्जी बना डालती है। आई जाने तो ऐसा इस रूप से हेलो। तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 10 और हम लोग अभी लकड़ी लाने आए थे क्योंकि घर में कल फंक्शन हो सकता है, तो इसलिए लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर रहे थे हम लोग। और अपनी मतलब खेत में आए हुए हैं मैं, भाऊ और दो और ये और नीचे लटकी हुई है शायद, और इसकी टीचर दिख रही है बेचारा, बाहर निकल गया था कि देख ले इसको ब्लॉग में। और हम लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, और मेरा पूरा 4-5 साल बाद लकड़ी लेने आई हूँ, मतलब 4 साल के बाद मतलब लकड़ी नहीं, कॉलेज के बाद मैंने कुछ करा तो है नहीं, जब से मेरे को बैक पेन हुआ मैंने ऐसे कुछ काम नहीं किए। यहाँ पे काम हो रहा है और मैं वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए, मैं वैसे तो स्पेशल हूँ क्योंकि मेरे से तो काम होता नहीं है। हमारे यहाँ इतनी जल्दी धूप भी आ गई ऊपर से छठ में। तो ये जो पत्थर था इसमें हम बचपन में इतना ज़्यादा खेलते थे ना, पर अब हम बड़े हो गए पत्थर पर उतने का उतना ही रह गया। और यहाँ पे हमारे जो लकड़ी का भौरा भौरा होता है, भौरा भौर टू बन रहा है, ये हमारा खेत है एक, ये भी नीचे जिनमें हम कुछ भी नहीं उगाते हैं।